फिरोजाबाद में डेंगू बुखार का प्रकोप इतना है कि लगातार बच्चों की भर्ती हो रही है। अब मृत्यु का आंकड़ा 56 के पार हो गया है। भर्ती मरीजों की बात करें, इस समय मेडिकल कॉलेज की समस्या वार्ड में 238 मरीज भर्ती है, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब बच्चों के लिए ना तो वार्ड में जगह है और ना कोई बेड खाली है। वार्ड के बाहर बने दलान में बनी पत्थरों की ब्रेंच की जमीन बच्चों को लिटा कर बोतल चढ़ाई जा रही है। यहाँ इतना अंधेरा है कि मोबाइल की टॉर्च में इंटरफेयर बच्चों के हाथ में लगाई जा रही है। इस बारे में जब हमने बच्चे के पिता से बात की तो उनका कहना था कि वार्ड में कोई जगह नहीं, इसलिए यहाँ लिटा दिया है। नाम कुमारपाल है। कुमारपाल क्यों आए हो यहाँ? हमारा बच्चा बीमार है। क्या दिक्कत है उसको? बैठे बैठे हट गया। कितनी उम्र है? उम्र होगी उसकी 13 साल की। अच्छा, यहाँ ब्रेंच में लिटा रखा है? यहाँ ब्रेंच में एक भी बेड खाली नहीं है, इसलिए यहाँ फुटपाथ पे लिटा है। डॉक्टर से बात हुई थी? डॉक्टर तो नहीं, ये कंप्यूटर ही यहाँ पर हैं, उनसे ही कहा तो वो बोले बेड यहाँ आया नहीं है खाली, तो इन्होंने यहीं लिटवा दिया। और बच्चे ऐसे लिट गए आपके? हाँ, अभी एक दो थे वो चले गए इधर उधर। ये 100 सैया का हॉस्पिटल है, अभी डीएम साहब बता के गए 238 इस समय मरीज हैं। मरीज तो जमीन पे भी लेटे हुए हैं? नहीं, जमीन पे नहीं लेटे हुए हैं, ये जो मरीज नए आते जा रहे हैं, हालांकि हमने स्ट्रेचर और बेंचें यहाँ रख रखी हैं, लेकिन बार बार हम समझाते हैं फिर भी कई बार वो नीचे बैठ जाते हैं, फिर स्टाफ से उठा उठा के हमें स्ट्रेचर से लेके शिफ्ट करने पड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ निरंतर मरीज भर्ती होते जा रहे हैं। समस्या एक ही आ रही है कि मरीज के संग बहुत सारे तीमारदार आ रहे हैं, जिसके लिए हालांकि सुबह कप्तान साहब आए थे, उन्होंने अपनी फोर्स बाहर तैनात कर दी है और उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सख्त हिदायतें दे भी दी हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को और उसमें काम शुरू कर भी दिया है उन्होंने। ये 100 सैया का हॉस्पिटल है और 238 मरीज हैं, तो कैसे मैनेज हो रहा है? देखिए, ऐसा है, ये 100 सैया के रूप में सेंक्शन हुआ था, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कोविड टाइम में हमने इसमें जैसे जो ओटी था या जो हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक कमरा था बड़ा, उन सबको हमने वार्ड कन्वर्ट कर दिया था। और उस समय हमने पहले 172 रूम बनाए थे, बेड बनाए थे, फिर 212 कर दिए थे और अब लगभग 300 के आसपास का आंकड़ा है। हमने जहां भी जगह थी हर जगह हमने उसे खाली करवा के उसमें बेड डाल रखे।